हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 2024 में जो आपकी कट ऑफ जा सकती है शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा उसमें। माय नेम इज़ हेमंत, मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। और इस सीजीएल 2024 में जो है शिफ्ट जो है ना वो बैलेंस नहीं आई है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब भी ऐसा होता है ना कि शिफ्ट बैलेंस नहीं होती तो कट ऑफ में जो है वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन्स में। और अगर मैं पिछले कुछ सालों का डाटा भी शेयर करूँगा जिसमें कितने गुना बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे और इस साल कितने टाइम्स बच्चों की संभावना है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में शेयर करी जाएंगी। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो एसएससी द्वारा दिया गया था 2019 में, ये पब्लिश हुआ था वेबसाइट पर। दो मोटी मोटी चीज़ें जो इसमें आपको देखने को मिलेंगी, एक सबसे इम्पोर्टेंट MIQ, ये मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम है जो आपकी शिफ्ट रहेगी उसमें, ठीक है। और जो MIJ है, जो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, वो MIJ है कि कितने आपके नॉर्मलाइज होके आएंगे, ये डाटा जो है उन सब में ऐड होगा। तो इसको मैंने सिंपल करने के लिए एक शीट बना दी है। यहाँ पर डेट हो गई, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर MTI, जितने टॉप 0.01% बच्चों का एवरेज मार्क्स है ये, ठीक है, हर शिफ्ट का। पूरे फॉर्मूले को डिकोड करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप थोड़े से चीज़ों को समझ सकें कि कट ऑफ जो है जिस रेंज में बताई जा रही है उसमें क्यों जा सकती है। MTI जो है, एक तो मैंने पहले ही बताया था इसमें क्या होता है, 0.1% जो है उनका डेटा। अब क्योंकि कुछ सर्वेज में और आपने आंसर की लिंक डायरेक्ट पेस्ट किया था जहाँ पर लगभग 3.5 लाख प्लस डेटा आ गया, वो शेयर किया, तो उस डेटा से थोड़ा सा कोशिश करी गई है कि उसके कट ऑफ के आसपास पहुँचने की, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले तो कि इस में जो मैंने अपना फॉर्म भरवाया था गूगल, उसमें ज़्यादातर जो है वो सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट वाले हैं। दूसरा, ज़्यादातर बच्चों की जो टारगेटेड पोस्ट है वो देखने को मिल रही है GST इंस्पेक्टर या फिर ASO ME, ठीक है, ये ज़्यादातर बच्चों में ये देखने को मिल रहा है। उस लिस्ट को मैं शेयर कर दूंगा जहाँ से आपको पता लग सकता है किस पोस्ट की इस बार हाइप क्रिएटेड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मीन मार्क्स आपकी स्क्रीन पर है, ये एवरेज नहीं है, एवरेज और मीन में डिफरेंस होता है, तो ये मीन मार्क्स हैं ना कि एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना डेविएशन कम और ज़्यादा में आ रहा है, ठीक है, मतलब जो लो स्कोरर है और हाई स्कोरर है कितना डेविएट कर रहे हैं वो आपस में। MIQ इन दोनों का सम, MTG फिर कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट, MQG भी कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट, यानी कि सारी शिफ्ट का है जैसे ये 0.1 का था, और ऐसे ही ये भी सारी शिफ्ट का है। MQGM इनका सम है, ठीक है, जो आपका मीन है हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट मीन यहाँ पर हमारा 143 है, 140.3, ये 143.2 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जो सारी शिफ्ट का है, जो कि हमारा 4.5 आया। अगर इन सारी वैल्यू को फॉर्मूले में डालोगे ना तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ जाएगा, पर जब मैंने इन्हें डाल के ट्राई किया तो वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि डाटा इनकम्प्लीट है। डाटा इनकम्प्लीट है तो हम नॉर्मलाइजेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगी। अब जो भी जिन्होंने भी ये डाटा कलेक्ट किया उन्होंने किस हिसाब से नॉर्मलाइज स्कोर बताया आपको, आई डोंट नो, कि आपको सिंपल बोल दिया कि 20 नंबर जुड़ रहे हैं ऊपर वालों के या 10 जुड़ रहे हैं, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग अगर सारी फिगर्स को आप एक एक करके कंपाइल करोगे जैसे मैंने करा, तो वी कांट प्रिडिक्ट नॉर्मलाइजेशन इन दैट वे, और वो नॉर्मलाइज स्कोर मैच ही नहीं कर रहा, इसका मतलब वो फेल है, दैट इज़ नॉट मैचिंग। तो जिसने भी वो कंपाइल किया, आई डोंट नो, वो मैच नहीं कर रहा, तो आपका जो भी नॉर्मलाइज स्कोर बताया जा रहा है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है, वो नॉर्मलाइज्ड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारी फिगर्स आपके सामने हैं, अगर आप इन्हें यूज़ करोगे तो एग्जैक्ट स्कोर वही आना चाहिए था जो वहाँ पर आपका लिखा आ रहा है उस शीट के अंदर, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर अब मैं वैसे बात करूँ आपकी, तो 17 तारीख की तीसरी में 123 मीन मार्क्स है, और वहीं 18 तारीख की तीसरी में 126, जबकि कुछ शिफ्ट में ये मीन मार्क्स काफ़ी हाई भी गए हुए हैं, ठीक है, तो इनको अगर देखोगे 146 तक भी गए हुए हैं मीन मार्क्स, जैसे मैंने बोला यहाँ पर देखोगे 146 भी है मीन मार्क्स, ठीक है। और इसी टाइप से अगर मैं देखता हुआ चलूँ ना,
143 भी है, तो अगर इनका डिफरेंस देखें ना आपस में, तो 23 नंबर का डिफरेंस तो यही है। यानी कि अगर 17 तारीख की तीसरी शिफ्ट का बच्चा बोले कि मेरे 23 नंबर बढ़ा दो, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बढ़ेंगे। इन सारी वैल्यू को यूज़ करके ही उसमें ये स्कोर जुड़ता है एंड में, तभी वो मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, और उस लेवल पे आते हैं। अगर आप इन दोनों का वो देखो ना कि 100, मान लो यहाँ पर 150 आता, ठीक है, तो अगर 150 देखें और 146, तो मतलब इस शिफ्ट का सिर्फ 4 ही बढ़ेगा। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इस शिफ्ट के 27 नंबर बढ़ने चाहिए यहाँ पर। अगर ऐसा हो गया कि इस लेवल पर नंबर बढ़ने लग गए, जो कि ओब्वियसली बढ़ेंगे, ठीक है, पिछले एग्ज़ाम्स में भी सी जी एल 19 या जो भी आए उनमें भी सेम हुआ, तो आपके कम से कम मान के चलो हार्ड शिफ्ट में कम से कम भी 20 से 25 नंबर तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और इजी शिफ्ट में 4 से 5 नंबर। अब कुछ बच्चों का ये था कि सर हमारे कम भी हो सकते हैं, कि हाँ आपके कम भी हो सकते हैं अगर आप उस थ्रेशोल्ड से कम रहे तो। यानी जिस बच्चे के मार्क्स एक थ्रेशोल्ड लेवल होगा उस शिफ्ट का, कि इस शिफ्ट के नीचे, इस नंबर के नीचे से 120 आ गया मान लो, ठीक है, 120 से नीचे जिनके होंगे ना उनके नंबर गिरने भी लग जाएंगे, ठीक है। ये था कुछ नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड चिट चैट। अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं मुद्दे की बात बताऊँगा कट ऑफ पर, और सबसे इम्पोर्टेंट उससे भी ज़्यादा है कि भाई जिसका भी क्लियर हो रहा है ना, जो 150 प्लस है वो तो श्योर थोड़ा सा रह सकता है, 150 प्लस वाला तो श्योर ही है मान के चलो, ठीक है, तो वो तो अपनी टीयर टू की तैयारी शुरू कर दे। और इसमें बताना चाहूँगा किरण पब्लिकेशन की ना चारों किताबें मैथ्स की, जिसमें मॉड्यूल में जितने भी 2023 के क्वेश्चन हैं उनके भी प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, ठीक है, यानी 30 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे 2023 के। मॉडल टेस्ट पेपर आपको ज़रूर लगाने चाहिए किरण पब्लिकेशन के, क्योंकि एग्जैक्ट थोड़ा सा जो आ रखे होते हैं ना उनसे मिलते जुलते क्यूरेटेड होते हैं, यानी कि। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा क्या है, आप ना इन्हें मार्क्स मार्क करते हुए चल सकते हो, जैसे क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो इसे मार्क कर लिया और लास्ट में एक बारी में देख लिया, और इनके सॉल्यूशन भी इसमें दे रखे, तो जो नए बच्चे हैं वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इनकी चारों बुकें, रीजनिंग का भी मॉड्यूल, जनरल अवेयरनेस का भी मिल जाएगा और इंग्लिश का भी मिल जाएगा। इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इंग्लिश का तो मस्ट बाय कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको कॉम्प्रहेंशन जितने हैं ना मॉडल टेस्ट पेपर के, वो तो सारे आप लगा के चलो, जिनका भी रीडिंग पार्ट वीक है, ठीक है, वो तो ज़रूर ज़रूर किरण के ये करके जाओ, जो भी अभी लेटेस्ट TCS पैटर्न बेस्ड है ना 2023 के, जिसमें सॉल्व हैं इनके 30 मॉडल टेस्ट पेपर, जितने कॉम्प्रहेंशन और क्लोज टेस्ट हैं उन्हें ज़रूर कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। आगे चलता हूँ, अब मैं बात करूँगा टारगेट स्कोर पर, ठीक है, जो आपका टारगेट रहना चाहिए था और आपका आया है, यानी एक्सपेक्टेड कितना रह सकता है, टारगेट कितना रहेगा, ठीक है। तो मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, तब भी आपको समझाया था, और कुछ बच्चों ने बोला था कि SSC कोर की कट ऑफ कभी सही नहीं हुई, तो यार पुराने रिकॉर्ड्स उठा के देखोगे ना तो मिल जाएगा। 22 में ना बहुत सारी चीज़ें थी, मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ पर हमारे इस सर्वे में जो डेटा था ना, जब हमने गूगल फॉर्म लॉन्च किया था, तो नीचे के लेवल पर बच्चों ने वो भरा नहीं था, ऊपर के लेवल पर वो फॉर्म भरा गया था, ठीक, ठीक है, 40,000 लोगों ने वो फॉर्म भरा था, जिसमें से ऊपर के लेवल के बच्चे ज़्यादा थे। टोटली जब अब देखोगे लाखों में बच्चे सेलेक्ट होने थे, 37,000 बच्चे तो फाइनली सेलेक्ट होने ही होने थे, तो फॉर्म जो भरा था वो नीचे के लेवल पे ज़्यादा भरा गया था, 250 से नीचे, इसलिए फिर वो एग्जैक्ट डाटा मैंने उसको उठा के शेयर कर दिया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से ऊपर वाली वैल्यू मैच कर गई थी उन बच्चों की जो कि हाई स्कोरर थे, और नीचे क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी थी और मेरे एलोकेशन में ही काफ़ी पोस्ट खाली चले गई थी PSA की, यानी कि प्रॉपर वो नहीं था, ठीक है, तो उसको जो है इस तरीके से आप ना समझे कि कट ऑफ जो है वो गलत ही गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इधर मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। जैसे आप देखोगे जितनी वैकेंसीज थी ना, उसका लगभग पहले 16-17 गुना बच्चे लिए जाते थे 19-20 में, ठीक है, और ये जो ज़्यादा स्कोर आपको दिख रहा है ना नॉर्मलाइज्ड होके है। फिर उसके बाद SSC ने क्या किया था, बीच बीच में कभी 14 गुना, कभी 17 गुना, बट 17 गुना चल रहा था। 22 में हमें देखने को मिला कि एकदम से 10 गुना ही बच्चे सेलेक्ट किए, और 23 में तो हमें देखने को मिला सिर्फ 8.5 गुना ही बच्चे सेलेक्ट हुए। तो अब 24 में ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ हो जाती है कि कितने गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे। अगर 9 से 10 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए ना, तो कट ऑफ जो है हाई जाएगी, ये क्लियर कट है। यहाँ आप देखोगे आप अपने हिसाब से कितने 130-135 अगर सोच के चल रहे हो, तो आप खुद सोचो जब इतनी वैकेंसीज थी हमारी 36,000, तब इतने बच्चे लिए गए थे जनरल कैटेगरी में, अब इसकी आधी कर लो ऑलमोस्ट, तो 37,000 ही बच्चे लिए जाएंगे, 37 से 40,000 जनरल कैटेगरी के, और इतने बच्चे तो सर्वे के लगभग 140 प्लस नंबर पर ही आ रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 140 प्लस के जो है यहीं पर आ रहे हैं। पिछले साल का पेपर जो है इतना अनबैलेंस्ड नहीं था,
जितना इस बार का है। तो इसलिए पिछली बार कट ऑफ आपको 150 देखने को मिल गई थी, पर इस बार जो है थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ बता दी थी। वैकेंसीज लगभग ये इसको हमने 17,727 को उसी रेशियो में बांटा है जितनी रेशियो में वैकेंसीज बढ़ती हैं, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने मोर देन एक्सपेक्टेड बच्चे ही मैं सेलेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है, 9 से 10 गुना ही। और ये जनरल में मैं ज़्यादा ही सेलेक्ट करके मान के चल रहा हूँ। तो इनकी कट ऑफ जो है ना वो 140 प्लस ही रहेगी हर हालत में, और ओबीसी की 136 प्लस ही रहेगी, ईडब्ल्यूएस भी यही रहनी चाहिए, और एससी और एसटी की आपके सामने। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, शिफ्ट बैलेंस नहीं थी, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भाई जितनी भी चीज़ें थी ना मैंने वो शेयर करी, जितनी भी चीज़ें थी जो एक कट ऑफ के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, सारे फैक्टर को इंक्लूड करने के बाद। यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जो कि आपके बार बार रिपीट कर रहे हैं और जो सिलेक्शन ले लेते हैं, जिनके लिए प्री निकालना बहुत इजी है। मेंस उनका मेन है कि उन्हें मेंस में वो पोस्ट चाहिए जो वो चाहते हैं। उनमें से काफ़ी सारे ऐसे सिलेक्टेड बच्चे भी हैं और यूट्यूब पर ही हैं जो आपको गाइड भी कर रहे होंगे बट आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो यार बहुत सारी चीज़ें कि जिसके जो एक टारगेट लेके चल रहा है ना कि मुझे यही चाहिए, वो उसे नहीं मिल पा रहा तो वो उसके लिए बार बार देगा, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर रह के भी देगा। ये भी बता दूँ, बहुत अच्छी पोस्ट जो आपका ड्रीम पोस्ट होगी ना उस पर रह के भी ये बच्चे अपीयर हो रहे होंगे दोबारा, और दोबारा एसएससी में जो है सिलेक्शन ले रहे होंगे। तो उनकी भी गलती नहीं है, अगर आपको उनके लेवल को तोड़ना है तो उनके लेवल जैसी तैयारी करनी पड़ेगी। और आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, मेरे जैसे और बहुत भी मेंटोर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में वो लेके आ जाऊँगा। बता दूँ सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंप्यूटर, यहाँ पर 10% बच्चे तो कंप्यूटर में ही फेल हो जाते हैं जब हायर कट ऑफ चले जाती है। कुछ 27 प्लस का फैक्टर रहता है, ये बच्चे जो है इससे नीचे की पोस्ट नहीं ले पाते, तो नीचे की पोस्ट की कट ऑफ थोड़ी कम चले जाती है, ऊपर की ज़्यादा, क्योंकि उसमें सब एलिजिबल होते हैं। आपको अपना स्कोर जो मेंटेन करके चलना पड़ेगा अगर पोस्ट लेके आनी है, वो कम से कम भी अगर आप 4600 टारगेट करते हो जनरल कैटेगरी में, तो 320 प्लस लेके ही चलो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, पर्सनल जितने बच्चे नए सेलेक्ट हो के आते हैं उनकी भी मैं जल्दी शेयर कर दूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उन बच्चों की भी आप देख सको जो नए पिछले साल सेलेक्ट हुए, उनकी मेंस की क्या स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।